हाँ दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं कैनन ईओएस R100 की। R100 कैनन का सबसे बेसिक और एंट्री लेवल का मिररलेस कैमरा है आर सीरीज में। आर सीरीज में अभी तक बहुत सारे कैमरा जाते थे, बट अभी कैनन ने रिसेंट ही लॉन्च किया है R100। तो आज फिलहाल हम इसे अनबॉक्स करेंगे, सेटअप करेंगे, साथ ही साथ क्लिक करेंगे कुछ फोटोग्राफ्स, रिकॉर्ड करेंगे कुछ वीडियो फुटेज। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं। तो कैमरे को सेटअप करने से पहले और अनबॉक्स करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि कैनन का जो R100 कैमरा है, आप इस पर कैनन के RF सीरीज के जो भी लेंसेस हैं आप उसे डायरेक्टली लगा सकते हैं, लाइक RF 50mm, 35mm, 24-105, मतलब कोई भी RF सीरीज का जो लेंस है आप उसे डायरेक्टली इस पर लगा सकते हैं, क्योंकि इसका जो माउंट शेप है वो माउंट शेप वो उसी के जैसा है जो कैनन के EOS R, R5 या R6 के जो कैमराज देखने को आपको मिलते थे उसी तरह के हैं। अगर आपको EF एंड EFS लेंसेज को अगर लगाना है इस कैमरे पर, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक एडाप्टर की, जो कि आप आसानी से कैनन के किसी भी स्टोर से खरीद सकते हैं। कैनन EOS R एडाप्टर होता है। तो बिना देर किए चलिए इसे हम अनबॉक्स करते हैं और जानते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। तो फाइनली हम बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं। तो जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाई देगा इसका यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल जनरली हम लोग पढ़ते नहीं हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोगों को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो ये रहा इसका यूजर मैनुअल। नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये है इसका वारंटी स्लिप। 2 ईयर्स की आपको वारंटी मिलती है। वैसे तो यहाँ लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ टू अवेल 2 ईयर्स वारंटी, बट अगर आप रजिस्टर नहीं भी करते हैं तो आपको 2 ईयर्स की वारंटी कवर होती है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको 10 GB का क्लाउड स्टोरेज मिलता है, जो कि लाइफ टाइम फ्री होता है। तो आप चाहें तो अपने कैमरे को रजिस्टर ज़रूर करें। तो अगर मैं वारंटी की बात करूं तो अक्सर लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि 2 ईयर्स की वारंटी का मतलब है कि बैटरी, चार्जर, पावर केबल, इन सारी चीज़ों पर हमें 2 ईयर्स की वारंटी होती है। बट ऐसा नहीं है, कैमरे के बॉडी एंड लेंस पर 2 ईयर्स की वारंटी होती है, बट उस पर वो फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जो भी एक्सेसरीज मिलते हैं, बैटरी, चार्जर, पावर केबल, इन सभी चीज़ों पर वारंटी कवर नहीं होता है। वैसे तो स्पेशली ये मेंशन होता है, ये अलग बात है कि हम उसे पढ़ते नहीं हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो आपको ये क्लियरली मेंशन किया हुआ होता है कि उन सारी चीज़ों के साथ वारंटी कवर नहीं होता। नेक्स्ट वन image.canon, ये एक आपको स्लिप मिलता है। इमेज और कैनन जो है वो जस्ट लाइक गूगल ड्राइव के जैसा है, जिस पर कि आप कैनन के अनलिमिटेड डेटाज को नेक्स्ट 30 डेज के लिए स्टोर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है ये कि अगर आपने जो डेटा आज स्टोर किया है वो उस दिन से नेक्स्ट 30 डेज के लिए स्टोर होते हैं। तो कभी ऐसा सिचुएशन हो जब आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम हो, तो आप image.canon पर जाके अपने डेटाज को स्टोर करें और कहीं से भी रिमोटली उसे एक्सेस करें। तो नेक्स्ट इसके फ्लैप को ओपन करते हैं, देखते हैं कि अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये कप चार्जर, जिसका मॉडल नंबर है LC17। यही सेम जनरली अभी चार्जर आ रहा है जो कि बैटरी LP17 होता है, चाहे वो USRP हो, R10 हो, 200D हो, 750, काफ़ी सारे मॉडल में सेम ही बैटरी यूज हो रहा है। इसका मतलब यह रहा इसका नेक स्ट्रैप। यह इसका कैमरा, इसे थोड़ा हम लोग बाद में ओपन करेंगे, पहले बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो ये रहा इसका पावर केबल। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, कैनन के 90% जो कैमराज हैं उनके साथ आपको जो पावर केबल होता है वो सेम ही होता है। और ये रहा इसका लेंस। Lens 1845mm लेंस, काफ़ी एलिगेंट सा डिज़ाइन है। तो ये रहा इसका लेंस। और फाइनली ओपन करते हैं ये रहा इसका कैमरा। कुछ इस तरह का लुक है, काफ़ी छोटा सा है, अगर मैं बोलूँ तो ये मेरे हाथ में समा जा रहा है, इतना छोटा है, इवन मेरे हाथ से छोटा ही है ये, काफ़ी छोटा सा है, वैसे देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, तो बढ़िया है, देखने में तो अच्छा है।
फाइनली बाकी चीज़ों को साइड करते हैं और कैमरे को रेडी करते हैं। एक चीज़ जो छूट रहा है वो है इसका बैटरी, जो कि नीचे रखा हुआ है। ये रहा इसका बैटरी LPE 17। तो बाकी सारी चीज़ों को साइड कर दिया है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। सबसे पहले बैटरी या चार्जर की बात करते हैं। तो जब भी आप कैमरा परचेज करते हैं तो उसके साथ मिलने वाले बैटरी को कोशिश करें कि आप 6 to 8 आवर्स चार्ज करें। इससे क्या है ना कि बैटरी की बैकअप अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम से तो ऐसे भी 2-2.5 घंटे में आसानी से चार्ज हो जाएगा, बट आप फर्स्ट जब परचेज करते हैं तो उस समय कोशिश करें कि उसे 6 to 8 आवर्स ज़रूर चार्ज करें। ओवरनाइट चार्ज ना करें, कंप्यूटर के UPS में या जेनसेट्स में डायरेक्टली यूज ना करें। इसके अलावा अगर थंडरिंग वगैरह का इशू है तो आप कोशिश करें कि वैसे टाइम पर चार्जिंग अवॉइड करें। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर मैं 4GB का एक मेमोरी कार्ड यूज कर रहा हूँ। कैमरे के साथ ही आपको नहीं मिलता है, बट मैंने डेमोस्ट्रेशन के लिए एक मेमोरी कार्ड रखा है। ये रहा है इसका RFS लेंस 1845। तो काफ़ी छोटा सा एलिगेंट सा डिज़ाइन है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और ये रहा है इसका कैमरे का बॉडी। तो सबसे पहले हम लोग लेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो लेंस जो है, इस लेंस को आप डायरेक्टली आर सीरीज के जो भी कैमराज हैं, चाहे वो RP हो, R5 हो, R3 हो, इवन कोई भी कैमरा हो आर सीरीज का, आप उसे डायरेक्टली इसे लगा सकते हैं। इसका जो कैप है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट ये है कि जब भी आप इस कैप को लगाएंगे तो यहाँ एक मार्क बना हुआ है, उस मार्क पर आप लेकर जाएंगे और रेड डॉट से इसको मैच करेंगे, तभी ये आपका लॉक होगा। अदरवाइज ये लॉक नहीं कर पाएंगे। आप दूसरी जगह से इसे घुमाएंगे तो ये लॉक नहीं होगा। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा। और लेंस आपका RFS लेंस है। अगर लेंस पर मैं बात करूँ तो इसका जो अपर्चर है, वो वाइडर अपर्चर ओपनिंग जो है वो 4.5 to 6.3 है। ISSTM लेंस है, जिससे कि आप फोटोज एंड वीडियोज दोनों आसानी से क्लिक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अगर बॉडी को समझें तो बॉडी में अगर बॉटम साइड की तरफ देखें तो यहाँ आपको कार्ड एंड बैटरी कंपार्टमेंट मिलता है। इस तरह से ओपन करना है, यहाँ बैटरी एंड मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। थोड़ा एक चीज़ जो कि मुझे थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट है, कि पहले के जो कैमराज थे उसे आप इस तरह से करते थे आसानी से लॉक हो जाता था, बट इसमें क्या है कि आपको इसे इस तरह से करने के बाद लॉक का बटन अलग से इसे आपको पुश करना है, और जब ओपन करना हो तो इसे अपनी तरफ थोड़ा पुल करेंगे तब ये बाहर आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये ट्राइपॉड सॉकेट है। लेफ्ट साइड की बात करूँ तो दो चीज़ दे रखी है। पहला है माइक एंड सेकेंड वन है अगर आप वायर वाले रिमोट यूज करना चाहते हैं तो आप वो यूज कर सकते हैं। R50 की अगर मैं बात करूँ तो R50 में आपको ये देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ माइक मिलेगा। जैसे देखें तो इसमें सिर्फ आपको माइक का ऑप्शन मिल रहा है, बट R100 में आपको दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। राइट साइड में बात करूँ तो इसमें एक HDMI का ऑप्शन है एंड सेकेंड वन इंच सी टाइप का डेटा केबल का ऑप्शन दे रखा है। टॉप की बात करूँ तो टॉप में आपको फ्लैश है, जो कि मैनुअली फ्लैश दिया हुआ है। और इसका जो हॉट शू है वो R50 के हॉट शू से डिफरेंट है। देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको एक पिन भी दिखाई दे रहा है। इसे मल्टी हॉट शू है ये। इस पर आप माइक वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों को अटैच कर सकते हैं, बट ये डिफरेंट सा दिया हुआ है, जैसे कि हम लोगों को DSLR वगैरह में देखने को मिलता था उसके जैसा ही दिया हुआ है। ओवरऑल इसका मोड डायल जो है उस पर कोई भी डिफरेंट कलर पर नहीं है। जनरली कैनन में देखने को मिलता है कि ये ग्रीन कलर का होता है, बट सिंपल है। R50 से कंपैरिजन करें, अगर टॉप टू टॉप की बात करें अगर, तो डिफरेंट ये है कि इसमें आपको एक अलग से ISO का भी बटन दिखाई दे रहा है, जो कि आपको R100 में नहीं मिलेगा। साइड अगर कंपैरिजन करें, बैक साइड की अगर बात करें तो बैक साइड ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है इस तरह का। राइट साइड में थोड़ा डिफरेंट है। और इस दोनों में काफ़ी ज़्यादा एक जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि R50 जो कैमरा है वो टच स्क्रीन एंड वेरिएंगल LCD के साथ है, और अगर R100 की बात करें तो ये वेरिएंगल नहीं है, टच नहीं है। तो फाइनली कैमरे को रेडी करते हैं। पहले इसे साइड करते हैं और इसे रेडी करते हैं।
सबसे पहले कार्ड लगाने के लिए, तो कार्ड लगाने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ सेप बना हुआ है, इसी सेप में आप इसको रखेंगे और इंसर्ट करें। बैटरी के लिए सिंपली आप इसका पिन देखकर लगा सकते हैं, अदरवाइज जो कट मार्क्स दिख रहा है आपको यहाँ, ये हमेशा आपके राइट हैंड साइड में होगा। तो इसे हम लोग इंसर्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टच स्क्रीन नहीं है, तो हम लोगों को ज़्यादातर यूज करने का आदत हो चुका है आज के डेट में, स्मार्टफोन वगैरह हो तो टच चाहते हैं, लेकिन ये टच नहीं है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट ठीक है, कैनन ने कुछ बनाया है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, थोड़ा सा हैप्टिक है। तो लेंस फिट करते हैं। लेंस फिट करने के लिए जैसा कि यहाँ पर आपको एक रेड साइन बना हुआ है, और लेंस पर अगर आप देखेंगे तो लेंस पर भी आपको एक रेड कलर का साइन दिखाई देगा। तो दोनों को मैच करते हैं और क्लॉकवाइज घुमाकर फिट कर दें। जब ओपन करना है तो ये लेंस रिलीज बटन दिया हुआ है, इसे पुश करें और एंटी क्लॉकवाइज इसे बाहर निकाल लेंगे। जब फिट करना है तो रेड साइन से रेड साइन मैच करेंगे और इसे क्लॉकवाइज फिट कर लें। तो कैमरा हमारा रेडी है। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि आपको लेंस को रेडी पोजीशन में लाने के लिए, जैसे अभी कैमरा पर लिख रहा है सेट द लेंस टू द शूटिंग पोजीशन, इसको आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसे थोड़ा जोर से केवल खोलें, ट्विस्ट करेंगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। 18 mm पर जैसे ही आएगा ये खुल जाएगा, और जब बंद करना है तो एंटी क्लॉकवाइज इसे फिर से ट्विस्ट करें, ये लॉक हो गया। तो इस तरह से जैसे ही आप ओपन करते हैं कैमरा आपका रेडी हो जाता है। लेंस कैप हटाते हैं और ये रहा आपका कैमरा रेडी टू गो। कैमरा का मोड है आपका A+, इसका मतलब ऑटो मोड में है। तो सैंपल के लिए कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।